मैं 3 दिन से दिल्ली में हूं। दिल्ली का प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ हूं। मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनों को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो चुप क्यों बैठा है? उस किस कारण चुप बैठे हैं? उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। ये अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलिवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलिवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। समझो विभव कुमार का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खुद यानी अपने मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों करता है, ये उन्होंने बताना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए सीएम हाउस पे जाती है तो सीएम हाउस वहां के सीसीटीवी फुटेज जब ब्लैंक फुटेज क्यों देती है? जब वह गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेनड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज यानी पूरी गायब कर देना, ये क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि इस तरह से सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज गायब करना यानी खुद विभव कुमार को वहां पे यानी छुपा के रखना, ये सब कुछ यानी इस केस में यानी बिल्कुल उनका विभव कुमार का ही हाथ है, ये दर्शाती हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा था, आज जो खुद इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस की एक लीडर मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं ये जो बात कहती हैं, तो ये महिला सांसद के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होने के ऊपर एक ब्रश शब्द भी न निकालती वो क्यों, ये आंसर देना चाहिए। 13 मई को जो इंसिडेंस हुआ इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहां से मुंबई जाके यानी सभा एड्रेस करती हैं, यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, यहां पे रोड शो में जो जाते हैं, तो केजरीवाल इसके ऊपर एक टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है कि स्वाति मलिवाल के केस में क्या हुआ, ये लोगों को क्यों नहीं बता रहा है? खुद दिल्ली की महिला भगिनी पूछ रही है, मुझे पूछा तो उन्होंने आंसर, कम से कम तो मुझे लगता है कि दिल्ली सीएम ने इसके ऊपर आंसर देना जरूरी है। वो जो खुद चुप बैठे हैं
वो वही यानी विभव कुमार इस मामले में 100% इसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं बस इतना कहता हूं कि ये केस तो स्वाति मलिवाल ने फाइल की है। स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी है, उनकी 20 साल से वो सहयोगी रह चुकी है, और ये केस तो मुख्यमंत्री के निवास पे हुआ है और केस भी दर्ज स्वाति मलिवाल ने ही किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन आम आदमी पार्टी ने देनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल आज बेल पे बाहर है, उसकी कोर्ट की गारंटी है कि वो दो तारीख को अंदर जाएगा। ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। 100% वो 2 तारीख को अंदर जाने वाले हैं। लोगों को फिर से एक बार गुमराह कर रहा है कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट 4 तारीख को आने वाली है। कभी भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट नहीं आएगी। मोदी जी फिर एक बार यानी 400 सीट के साथ जीत के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। इसीलिए जो शराब के घोटाले में जिनके 2 मिनिस्टर्स अभी भी अंदर हैं, शराब के घोटाले के पैसे उन्होंने गोवा हो या पंजाब गुजरात इस जैसे राज्य में जिनका यूज किया, वही कि उन्हीं के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उन्हीं के बिल्कुल यानी उन्हीं की गारंटी कोई नहीं यानी गारंटी कर सकता है। इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है, और उसी मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करके विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए पूरे देश भर के युवा महिला और सभी लोग यानी जो विकसित भारत का सपना करने के लिए मोदी जी के साथ हैं।